भारत में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित की गई समिति ने अक्टूबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के तहत विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई थी। इस समिति ने बच्चों के लिए बेहतर मेडिकल सुविधाओं की तैयारी पर जोर देते हुए बच्चों में भी बड़ों के समान खतरे की बात कही है। COVID-19 थर्ड वेव प्रीप्रेडेंस चिल्ड्रेंस वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी नाम की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर बच्चे बड़ी संख्या में संक्रमित होते हैं तो बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, डॉक्टर उपकरण जैसे वेंटिलेटर, एम्बुलेंस आदि भी उतने नहीं हैं जितने की जरूरत है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर वली बताते हैं कि भारतीय बच्चों में विदेशी बच्चों के मुकाबले प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी ज्यादा होती है, लेकिन वो स्कूल न खोले जाने की हिदायत देते हैं। उनका कहना है कि उनके पास कई मामले आते हैं जहां अभिभावक ये शिकायत करते हैं कि उनके बच्चों का घर में रहकर पूरा विकास नहीं हो रहा है। वो सलाह देते हैं कि अभिभावक बच्चों को घर में रहकर ही कई एक्टिविटी करा सकते हैं। साथ ही उनका कहना है कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्कूल में सबसे निचले स्तर से ऊपर तक काम करने वाला स्टाफ वैक्सीनेटेड हो। इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए वो कई कदम उठाने के सुझाव देते हैं। वो साफ सफाई को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं, जिससे कि बाहर से घर आने पर मुंह हाथ पांव धोना अनिवार्य होना चाहिए। जूते घर में ना लाएं और गर्मी में घर में आकर बच्चों को नहाने की सलाह देते हैं। घर में बच्चों और बीमार लोगों के बीच दूरी बनाकर रखें। बच्चे को जंक फूड से दूर रखें और उसके नुकसान के बारे में बताएं। बच्चों का टीकाकरण समय समय पर होना चाहिए और इनमें आजकल इन्फ्लुएंजा का टीका भी होता है जो कि कोविड से बचाव में सहायक हो सकता है। बच्चों में मास्क लगाने की आदत डलवाएं। बच्चों को अभी स्कूल भेजने से पहले भारत के बच्चों में प्रोटीन की मात्रा की कमी देखी जाती है। ऐसे में जो परिवार अंडा खाते हैं वो बच्चों को अंडा जरूर दें। इसके अलावा दाल और सोया भी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। बच्चों में दूध पीने और पनीर खाने की आदत डालें। रागी, मक्का, सत्तू, चना का सूप या हलवा बनाकर छोटे बच्चों को खिलाएं और बड़े बच्चों को भी इनकी रोटी या पराठा बनाकर दे सकते हैं। विटामिन सी के लिए नींबू पानी पिलाएं और फल खिलाएं। जो भी विटामिन के प्राकृतिक स्रोत हैं वो बच्चों को खिलाना चाहिए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।